वेलकम टू आवर न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग गाइस। सो हम आए हैं आज साइट पे और हम आपको साइट के बारे में फीचर के बारे में नॉलेज देंगे, कैसे फाउंडेशन है, कैसे उसका फिलिंग वर्क हो रखा है, कैसे कैसे कॉलम्स है और क्या क्या उसके अंदर मटेरियल यूज हो रखा है। सो गाइस बेसिकली ये जो है एक मैरिज हॉल बन रहा है यहाँ पे, तो हम आ रखे हैं मैरिज हॉल के पास। फाउंडेशन वर्क यहाँ पे हो चुका है बट जो थोड़ा बहुत कॉलम वगैरह जो हम आपको बाउंड्री वगैरह डीपीसी वगैरह दिखा सकेंगे जो भी हमारा है। सो होप सो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके आपको बता सके कम से कम समय में। होप सो आपको इससे कुछ नॉलेज मिले और कुछ नॉलेज गेन करो आप। तो गाइज ये हमारा कॉलम है और इसको हम अपने बीम बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टली है, और जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है ये कॉलम है, इसको हम डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं जो डीपीसी की बीम होती है। ये मॉइस्चर कंटेंट को अवॉइड करती है। अब आगे हम आपको फाउंडेशन और बेस के बारे में बताएंगे कैसे हमने फिलिंग की है इस स्ट्रक्चर के। हम देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे कॉर्नर पे जो बाउंड्री वॉल के साथ में जो कॉलम है उसकी विड्थ कितनी है। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर कॉलम की विड्थ कम होती है और ये एक्चुअली में क्या है कि ये स्ट्रक्चर हमारी कम्युनिटी के लिए बनाई गई है, तो इसमें लोड भी ज़्यादा होगा, इसलिए तो ये कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारा प्लान होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इसमें फाउंडेशन जो हमने डेप्थ ली है वो 11.5 फीट है। जितनी फाउंडेशन की डेप्थ है उतनी ही हमने इसको ऊपर उठाया है 11.5 फीट। तो आगे आपको हम भी जो इसमें बीम बनी है उसमें फिलिंग की गई है उसके बारे में आपको देख सकते हैं। ये सर्कुलर कॉलम है जो हमने बाहर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए हमने बना रखा है और अंदर हमने सब रेक्टेंगुलर कॉलम्स यूज़ कर रखे हैं जो हमारे उसके अंदर है, जो हमारी स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रखे हैं। और अब आपको दिखाते हैं हमने कैसे कैसे बीम दिया है और इसके अंदर फिलिंग की। मैरिज हॉल बनेगा यहाँ पर, तो लोगों को आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, जिसके जैसे बीजे हो गया, लोगों का वेट हो गया, लाइव लोड और इसके अंदर जो आता है लोड वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम इसके लिए हम इसके अंदर जो एग्रीगेट का यूज़ करते हैं जो हमारे ये पत्थर है जो 65 mm के हैं। नॉर्मली हम घरों में अपने जो ईट जो हमारे ब्रिक्स होती हैं उसको छोड़ के हम कर लेते हैं, बट लेकिन ये एक पब्लिक प्लेस है जिसमें आगे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, उस वाइब्रेशन को हम अंदर तक ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन सब एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फाउंडेशन के बाद जो अर्थन वर्क हुआ है उसको हमने कॉम्पैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वाटर। तब तक वो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तब तक हम उसको करते रहे कुछ टाइम पीरियड तक। उसके बाद जो हम डालेंगे उसके अंदर हमने जो ये हमारा एग्रीगेट है जो कि 65 mm की थिकनेस वाला एग्रीगेट है उसको हमने अर्थन वर्क के ऊपर यूज़ किया है। उसके इसके बाद जो हमारी एग्रीगेट की लेयर आएगी वो आएगी हमारी 40 mm की एग्रीगेट की लेयर, जो आप देख सकते हो ये जो एग्रीगेट है ये 40 mm का एग्रीगेट है। ये एग्रीगेट की हमने लेयर को हमने डाल दिया। अब जो लोड आएगा इसके ऊपर हम प्लास्टर वर्क करेंगे जो इसके ऊपर लेंटर डलता है। तो गाइज हम आपको बताएंगे क्या मटेरियल इस कॉलम के अंदर यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो मेन अपना कंक्रीट होता है, उसके बाद हमने स्टील बार्स यूज़ कर रखे हैं। तो गाइज इन स्टील बार के बारे में आपको क्योंकि ये स्टील बार है आप देख सकते हो इसकी थिकनेस है 25 mm, जो ये स्टील बार की थिकनेस है और जो इसको होल्ड करके रखा है इस बार की थिकनेस है 8 mm, और गाइज जो बीच में ये वाला बार है इसकी थिकनेस है 16 mm। तो आपको एक अच्छी पॉइंट वाली बात बताता हूँ कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे स्टील बार्स को खरीदने के लिए आपको सबसे ज़्यादा रेट के बार्स मिलेंगे या तो सबसे मिनिमम थिकनेस जिसका डायमीटर सबसे मिनिमम है या सबसे मैक्स है, और जो इंटरमीडिएट डायमीटर वाले हैं ना उनका रेट इतना हाई नहीं होगा एज़ कंपेरिजन टू दीज बार्स, बिकॉज जो सबसे थिकनेस वाली और जो सबसे थिनर बार होती है उनके अंदर प्योर क्वालिटी का स्टील यूज़ किया जाता है जिस वजह से इनका रेट बढ़ जाता है। इनके अंदर मिक्सिंग भी होती है इस वजह से ये हमारे आपने देखा दीपांशु ने आपको सारी नॉलेज अपना हमने यहाँ पे फील्ड बनाए थे। सो अभी जो है ये देखो आप देख सकते हो ये अपना होता है एग्रीगेट और जो कि हमारा हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम आते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियो के साथ, और आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेहा के साथ में भी ज़रूर बताना। सो बाय।